सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी मुरब्बा, आम का मुरब्बा बनाना। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, ये 2 किलो आम है। अब इनको मैं छील लूँगी। और ये आम ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, थोड़ा सा अभी देख रहे होंगे येलो येलो नज़र आ रहा है। गिलास ले लिया है पानी का, अब इसमें चीनी डालूंगी। आधा किलो चीनी डाली है इसमें मैंने, शीरा बनाएंगे। हमारा रेडी है। और इसकी निशानी क्या है? इसकी धार बननी चाहिए। धार बनना शीरे की निशानी है। जब धार बन जाए, शीरा हमारा रेडी है। इसमें हम फिर डाल देंगे आम कटे हुए, सारे आम डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें पानी डालेंगे 2 गिलास। और इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए और हल्की आंच पे रखेंगे। हमारा मुरब्बा तैयार है। इसको एयर टाइट कंटेनर में किसी भी रखें और फ्रिज में रख दें। ये 2 से 3 माह को आप स्टोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।